Hello everyone, this is Vipin here. I am again came back with my new video on our channel Educational Hike. And in this particular video, I am going to explain the chapter 2nd of class 8 NCERT History. Okay, from Trait to Territory. तो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कवर करेंगे और पूरी तरीके से ये समझेंगे कि किस तरीके से आपके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं वो अपना सब्जुगेशन आप कह सकते हो अपनी सुप्रीमेसी इंडिया में एस्टैब्लिश की थी। वो आए तो थे यहाँ पे ट्रेड करने, लेकिन किस तरह उन्होंने ट्रेड करते करते यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एक्सपांशन कर लिया और यहाँ पे अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे इसी चीज को कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से कॉलोनियल पावर ने ट्रेड आए थे ट्रेड के पर्पस से, लेकिन उन्होंने यहाँ पे टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए पहली लाइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। ओके, या रूरल। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, आप दो प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं कि लास्ट मुगल एम्परर कौन था, तो आप कहोगे बहादुर शाह सफर, और लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था, तो वो थे औरंगजेब। ठीक, ये आप लोग को याद रखना, पावरफुल कौन था औरंगजेब, और लास्ट मुगल एम्परर कौन था, वो थे आपके बहादुर शाह जफर। ओके, अब आइए नेक्स्ट लाइन चलते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। ठीक है, आपको सबको पता है कि मुगल्स ने पूरे के पूरे इंडिया पे अपना कब्जा जमा के रखा था, लेकिन 1707 में क्या कहते हैं, जैसे ही आपके औरंगजेब की मौत हो जाती है, उसके बाद जो आपके मुगल का सेंट्रलाइज फॉर्म था, जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी मुगल की, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जितने भी छोटे छोटे टेरिटरीज के छोटे छोटे रीजनल किंगडम जो सूबेदार्स होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं, वो सब अपनी अपने डोमिनेशन को अपनी अथॉरिटी को अलग से एजर्ट कर देते हैं। ओके, देखिए हम नेक्स्ट लाइन समझेंगे। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगिन एजर्टिंग देयर अथॉरिटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हो जाती है, तो उसके मरने के बाद जितने भी आपके गवर्नर्स थे जिनको औरंगजेब ने अपॉइंट किया था डिफरेंट रिलीजियस एरियाज के लिए, डिफरेंट स्मॉल टेरिटरीज के लिए, उन सभी ने अपने पर्टिकुलर टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल रूलर था औरंगजेब, वो पूरे सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता था, लेकिन उसके मरने के बाद जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी दिल्ली की, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और जितने भी आपके रीजनल किंगडम्स के किंग्स हुआ करते थे उन सभी ने अपने पर्टिकुलर टेरिटरी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से 1707 के बाद मुगल डिसेंट्रलाइज हो गए। ओके, अब चलते हैं आगे। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging of the political horizon, the British. Did you know the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How did they came to be masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. 18th century में एक नया पॉलिटिकल पावर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो था आपके ब्रिटिशर्स थे। ठीक, अब हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे टेरिटरी पे अपना ऑक्यूपेशन टेरिटरी पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। किस तरीके से किया, क्या था उनका पॉलिसी, क्या उनकी क्या कहते हैं किस टैक्टिक्स को उन्होंने अपनाया था, उनकी प्लानिंग क्या थी, एक एक चीज को इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पिक्चर है बहादुर शाह जफर का, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। 1857 के रिवोल्ट के समय में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था आपके कैप्टन हैडसन द्वारा, इनको और इनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया था 1857 के रिवोल्ट में। ठीक, और इनको कहाँ पे भेज दिया गया था, इनको भेज दिया गया था रंगून, आज के समय में जो म्यांमार कंट्री है, पहले वो रंगून थी, तो वहीं पर इनको एग्जाइल कर दिया गया था। ठीक, और 1859 में इनकी वहाँ पे मौत हो जाती है। ठीक, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए 1857 के समय में इन्होंने क्या कहते हैं दिल्ली से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट को लीड किया था, किसने, बहादुर शाह जफर ने, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ईस्ट इंडिया कंपनी केम ईस्ट। अब देखिए ये मैप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं ना ब्रिटिश आइसलैंड, ये ब्रिटिश आइसलैंड से आपके ब्रिटिशर्स पहले क्या कहते हैं इस रास्ते से होकर केप ऑफ
गुड होप आए और फिर के पॉप गुड होप से होते हुए वो इंडिया आए। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा ट्रेड रूट था। ये मैप आपका जो है फिगर नंबर 2 पे, ये आपके ट्रेड रूट को दिखा रहा है ब्रिटिशर्स के बीच में, इंडिया के बीच में जो रूट था उसी रूट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं पैराग्राफ की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी केम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. 16th century में जो Queen Elizabeth थी आपके इंग्लैंड में, उस समय मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, 1600 में एक चार्टर बनाया और उस चार्टर में ये परमिशन दे दिया वहाँ की एक कंपनी को, EIC को ये परमिशन दे दिया कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जो भी प्लेसेस है आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। किसके ईस्ट में, केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1600 में वहाँ की रानी, इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर्ड बनाया, एक कानून बनाया और उसमें ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं परमिशन देती हूँ कि वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जाके किसी भी पर्टिकुलर लैंड एरियाज में अपना बिजनेस या अपना ट्रेड कर सकती है। ओके, आगे। This means that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. तो इस पर्टिकुलर परमिशन के बाद जो EIC था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी निकल पड़ा एक पर्टिकुलर जगह की तलाश में जहाँ पे वो ट्रेड कर सके, जहाँ पे वो सस्ते दामों में चीज़ों को खरीद सके और उसे ले आके यूरोप में महंगे दामों में बेच सके। इस तरीके के व्यापार में वो निकल पड़ा और एक लंबी दूरी तय करने के बाद वो पहुँचा इंडिया और जहाँ पे जिस तरीके का व्यापार उसको चाहिए था उस तरीके का व्यापार उसको मिला, क्योंकि इंडिया में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी और वो चीज़ें आपके यूरोप में बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। तो वो इंडिया से ही ये चीज़ों को सस्ते दामों में खरीदते और उसे ले जाके यूरोप में महंगे दामों में बेचते। वो चीज़ें क्या थी वो हम भी आगे समझेंगे। ठीक, आगे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। EIC को कोई भी डर नहीं था कि कोई अदर इंग्लिश कंपनी इसको आके कम्पीट करेगी, क्योंकि केवल इसी कंपनी को, केवल EIC को ही आपके क्वीन ने, वहाँ की रानी ने परमिशन दिया था कि वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जाके ट्रेड कर सके और किसी कंपनी को परमिशन नहीं मिला था। तो एक प्रकार से इसकी मोनोपोली थी, EIC की मोनोपोली स्टैब्लिश थी कि केवल यही एकमात्र ऐसी कंपनी है इंग्लैंड की जो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जाके व्यापार कर सकती है और भी और कोई कंट्री नहीं कर सकती इंग्लैंड की। ठीक, अब देखिए ये पर्टिकुलर एक टर्म आ गया, इस टर्म को जानेंगे कि मर्चेंटाइल क्या होता है। ठीक है, तो मर्चेंटाइल को ये जानते हैं, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। मर्चेंटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा बिजनेस पर्सन, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम क्या कहते हैं ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, मीन्स सस्ते दामों में चीज़ों को खरीदते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो यही मेन पर्पज़ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो मेन पर्पज़ था वो आप कह सकते हो कि मर्चेंटाइल पर्पज़ था, मतलब कि उनका ये मुख्य उद्देश्य था, उनका जो मेन पर्पस था वो ये था, मेन मोटिव था वो जो ये था कि सस्ते दामों में चीज़ों को खरीदा जाए और उसको ले आके यूरोप में महंगे दामों में बेचा जाए। तो उसके लिए ऐसे चीज़ों को ढूंढना जरूरी था जो आपके यूरोप में हाईली डिमांडेड थी, और इस समय यूरोप में हाईली डिमांडेड थे आपके स्पाइसेस, इंडिगो, ठीक, कॉटन्स, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी हाईली डिमांडेड इन अवर यूरोप। ओके, तो आइए आगे समझते हैं। मर्चेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका डाउन द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। ओके, सबसे देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 16th सेंचुरी में क्वीन एलिजाबेथ ने जो चार्टर बनाया था उस चार्टर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को परमिशन दे दी गई थी कि वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जाके व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके और उसके अलावा किसी भी अदर कंट्रीज को ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो उसको तो पहली बात क्या कहते हैं कि किसी प्रकार के कंपटीशन को कोई फियर नहीं था, उसके पास मोनोपोली थी कि वो किस तरीके से व्यापार करना चाहता है। इसीलिए आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने मर्चेंटाइल पर्पस को, मर्चेंटाइल मोटिव को अपनाया कि सस्ते दामों में हम चीज़ों को खरीदेंगे और उन चीज़ों को ले जाके यूरोप में महंगे दामों में बेचेंगे। ठीक,
अब इसके बाद एक यहाँ पे ये बनता है कि कौन से ऐसे यूरोपियन पावर्स थे जो सबसे पहले आपके इंडिया आए थे. द फर्स्ट यूरोपियन पावर विच केम टू इंडिया इज पुर्तगीज. ठीक, देखते हैं. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. सबसे पहले इंडिया में आने वाले यूरोपियन पावर्स थे आपके पुर्तगीज. और वास्को डी गामा कहते नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ समुद्र के रास्ते या ओशियन के रास्ते किस पर्सन ने इंडिया को डिस्कवर किया था. द पर्सन हु डिस्कवर्ड इंडिया बाय सी रूट इज नोन एज वास्को डी गामा. ये एक पुर्तगीज सेलर था, मतलब एक नाविक था, एक पुर्तगीज नाविक था जिसने पानी के रास्ते भारत की खोज की थी. ठीक, तो पहला पर्सन था जो आपके भारत में आया था पानी के रास्ते, वो वास्को डी गामा. ठीक, सेकेंड आने वाली पावर थी वो थी डच, थर्ड आपकी थी ब्रिटिशर्स और चौथी आपकी थी फ्रेंच. ठीक, तो आइए जानते हैं आगे. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibility of trade in the Indian Ocean. Soon, the French trader arrived on the scene. मैंने बताया आपसे, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले जो यूरोपियन पावर थी जो इंडिया आई थी वो थी आपके पुर्तगीज. सेकेंड यहाँ पे आके स्टैब्लिश करने वाले थे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, वो थे डच पावर. एंड थर्ड पावर जो थी जिसने क्या कहते हैं यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश की, ट्रेड को अपने क्या कहते हैं फ्लोराइज किया, वो थे आपके ब्रिटिशर्स. और चौथी पावर जो आपकी यूरोपियन थी जिसने यहाँ पे आके अपने ट्रेड को फ्लोराइज किया, वो थे आपके फ्रेंच. ठीक, अब आगे चलते हैं. The problem was that all the companies were interested in buying the same things. अब यहाँ पे देखिए problem create हो रही थी. जितनी भी European powers यहाँ पे आ रहे थे, सब factories तो establish कर रहे थे, लेकिन वो लोग जिस चीज़ का trade कर रहे थे, जो चीज़ें खरीद रहे थे, बेच रहे थे, वो चीज़ें same थी, common थी. क्या थी? The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. देखिए फाइन क्वालिटी का जो कॉटन होता था इंडिया में और फाइन क्वालिटी का जो क्या कहते हैं सिल्क होता था इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड था. कहाँ पे? यूरोप में, क्योंकि यूरोप में उसको लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब उनकी डिमांड इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा थी. ठीक, अब आगे चलते हैं. पीपल क्लोज कार्डमोम एंड चिनमोम टू वर इन ग्रेट डिमांड्स. ये कुछ मसाले हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे. कहाँ पे? यूरोप के मार्केट में, क्योंकि आपको पता है यूरोपियंस जो होते हैं वो मीट वगैरह खाना बहुत प्रिजर्व करते हैं, बहुत प्रिफर करते हैं. तो मीट्स वगैरह को बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए आपके स्पाइसेस आपके यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड थे. पीपर आप जानते हैं, काली मिर्च, क्लो, लौंग, कार्डोमाम, इलायची, चिनमोम, आपके क्या कहते हैं दालचीनी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आपके स्पाइसेस इंडिया में होते हैं. तो ये सारे के सारे स्पाइसेस आपके यूरोपियन मार्केट्स में हाईली डिमांडेड थे. ठीक, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, सभी यूरोपियन पावर्स इन सेम प्रोडक्ट्स का ही क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, जिससे आगे चल के इन सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में एक प्रकार का राइवलरी शुरू होने वाली थी. आगे देखते हैं. राइवलरी का मतलब है दुश्मनी. ठीक, आगे. कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न. द ओनली वे दैट ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोराइज वाज By eliminating rival competitors. ठीक, अब यहाँ पे क्या था कि एक यूरोपियन पावर्स आके व्यापार कर रहा था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया. इसके आने से क्या हुआ कि इनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ इनका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट्स भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ठीक है, जाहिर सी बात है, सपोज करिए आप कहीं पे क्या कहते हैं कोई दुकान खोल के उसको चला रहे हैं. ठीक, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई अदर पर्सन आके आपके बगल दुकान खोल देता है उसी चीज़ की जिस चीज़ की दुकान आप चला रहे हैं. सपोज़ करिए आप कहीं पे चाउमीन की दुकान खोलें और कोई दूसरा पर्सन आके वहीं बगल में वो भी दुकान खोल देता है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट पहले था अब वो प्रॉफिट नहीं रहेगा, आपका प्रॉफिट अब डिवाइड होने लगेगा, क्योंकि आपको एक कंपटीशन देने वाला दूसरा पर्सन आ गया है. सेम यही कंडीशन हुई इंडियन मार्केट्स में. ये जब यूरोपियन पावर्स यहाँ पर बार बार आ रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि प्रॉफिट्स का डिविज़न हो रहा था, जो कि दूसरे पर्टिकुलर कंपटीटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी के कारण इन सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में एक राइवल कंपटीशन क्रिएट होता है. देखते हैं. द ओनली वे बाय द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोराइज वाज बाय एलिमिनेटिंग द राइवल कंपटीटर्स. केवल एकमात्र ही रास्ता था जिससे अपने, देखिए सभी यूरोपियन पावर्स के पास केवल एकमात्र ओनली रास्ता यही बचा था कि अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है तो एक काम मात्र करना होगा, अपने राइवल कंपटीटर्स को एलिमिनेट करना, मतलब यहाँ से भगा देना. ठीक, अब द आर्ग ऑफ द सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड टू द फ्रीज बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी. और उसके बाद शुरू होता है फिर बैटल.
ठीक है, एक बहुत ही लंबी सीरीज चलती है, सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में बैटल्स होते हैं और बैटल्स में वही जीतेगा जो प्रॉपर प्लानिंग करेगा, जिसकी आर्मी वेल ट्रेंड होगी, जिसके मिलिट्री पावर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होंगे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं, वो आपके पुर्तगीज को, आपके डच को, आपके फ्रेंच को, इन सभी पावर्स को कुछ स्मॉल टेरिटरीज में कन्फाइन कर देते हैं या पूरी तरीके से यहाँ से भगा देते हैं, और बैटल को, सभी यूरोपियन पावर्स को वो बैटल में हरा के पूरी तरीके से अपनी सुप्रीमेसी को इंडिया में स्टैब्लिश कर देते हैं और अपना मोनोपोली पूरे के पूरे कंट्री में चलाने लगते हैं। आगे देखते हैं, थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईस्ट अदर शिप, ब्लॉक्ड रूटीन एंड प्रिवेंट राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाइज ऑफ गुड, स्टेट वॉज कैरीड ऑन विद आर्म एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रो फोर्टिफिकेशन। मतलब लगातार एक दूसरे को लोग, मतलब वही बैटल स्टार्ट हो गया था, मतलब कि उनकी नाव को रोक देना, उसके बाद क्या कहते हैं उनके, क्या कहते हैं उनके पर्टिकुलर पोर्ट्स पे कब्जा कर लेना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होने लगी इन सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में। और उसके बाद फिर फोर्टिफिकेशन का भी समय स्टार्ट हो गया, मींस अपने राइवलरी कंपटीटर्स से बचने के लिए यूरोपियन पावर्स क्या करते थे कि अपने पोर्ट्स को फोर्टिफाई करते थे, मतलब किलाबंदी कर देते थे, ताकि उनको वो किला प्रोटेक्ट कर सके उनके राइवल कंपटीटर से, ठीक, उनके अटैक से, कि अगर वो आक्रमण करते हैं तो वो किला जो उन्होंने बना रखा है वो उनको बचाए, ठीक। आगे, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड टू इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेट अस शो हाउ दिस हैपेंड। जब कंपनियां फोर्टिफिकेशन करने लगे, जब कंपनियां किला बनाने लगे ताकि वो अपने राइवल कंपटीटर से बच सकें, तो ये बात जहाँ पे वो फोर्ट्स वगैरह बना रहे थे, सपोज कर बंगाल में बना रहे थे, मद्रास में बना रहे थे, तो ये बातें वहाँ के लोकल रूलर्स को भी बहुत ज़्यादा खल रही थी कि हमारे एरियाज़ में विदाउट हमारी परमिशन के ये बाहर की पावर्स क्या कहते हैं बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किला वगैरह बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें क्या कहते हैं आपके इंडिया के जो रूलर्स थे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये बातें गलत लग रही थी, तो आगे चल के उनसे भी कन्फ्लिक्ट होता है। कैसे होता है, क्या रीज़न था, सब कुछ कवर करेंगे, आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ओके। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। देखिए, सबसे पहले जो यूरोपियन पावर्स आती है इंडिया में, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे पर्टिकुलर एरियाज को कवर कर सकें जहां जो क्या कहते हैं ईस्ट और वेस्ट का कोस्टल एरियाज हो, ठीक। तो आपको बता दें कि उस टाइम, जिस टाइम की हम पढ़ाई करें, जिस टाइम के बारे में हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं, उस टाइम में बंगाल एक मोस्ट फ्लोराइज्ड स्टेट हुआ करता था, सबसे बिग एरिया वाइज में सबसे बिग था, सबसे फ्लोराइज्ड स्टेट हुआ करता था, ठीक। और ये जानते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। सबसे पहले बंगाल में जो फैक्ट्री लगी थी ब्रिटिशर्स की, वो 1651 में लगी थी। बंगाल, यहाँ पे याद रखिएगा, बंगाल में कह रहा हूँ, सबसे पहले बंगाल में फैक्ट्री लगी थी ब्रिटिशर्स की 1651 में, ऑन द रिवर बैंक ऑफ हुगली, हुगली नदी के किनारे, ठीक। दिस वॉज द बेस फॉर विच द कंपनी ट्रेड इज नोन एज द टाइम एज फैक्टर ऑपरेटर ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैज ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट एज ट्रेड एक्सपांडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि जितने भी आपके ब्रिटिशर्स थे वो लोग यहीं पे सेटल्ड होने लगे, मतलब कि वो यहीं पे रहने लगे प्रॉपर तरीके से, फैक्ट्री के आसपास उन्होंने अपना सेटलमेंट बना लिया और वो सब यहीं पे रहने लगे, ठीक। आगे, बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, टू ईयर लेटर इट ब्राइड मुगल ऑफिशियल इन टू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर थ्री विलेज, ठीक। कुछ समय बीता और जैसे जैसे समय बीतता जाता था उनको क्या रहा, मुगल्स पावर से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता था, कुछ ना कुछ उनको क्या कहते हैं प्रिविलेजेस मिलते रहते थे, तो उनको कुछ सालों बाद, दो सालों बाद उनको कुछ प्रिविलेज मिला, देखते हैं क्या मिला। उनको मिला क्या कहते हैं रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, मतलब जमींदारी राइट्स उनको मिल गया। कहाँ पे, वन ऑफ दीज वर कैलीकट्टा विच लेटर ग्रीव इन टू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज नोन टूडे, ठीक। कैलीकट्टा उस समय में एक जगह थी, वहाँ का उनको जमींदारी राइट्स मिल गया था कंपनी को, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आज उस जगह को हम लोग सभी जानते हैं वो कलकत्ता है, ठीक। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पायर औरंगजेब इशू अ फरमान गारंटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री।
और समय समय पे कंपनी को बहुत सारे फरमान मिलते थे मुगल एम्पायर द्वारा, क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री पासिस का, मतलब बहुत सारे प्रिविलेजेस दिया करते थे मुगल एम्पायर। फरमान का मतलब यहाँ पे ये है कि एक रॉयल एडिक्ट, मतलब एक शाही फरमान आप कह सकते हैं, शाही फरमान दिया करते थे आपके मुगल एम्पायर कंपनी को, और कंपनी उस शाही फरमान का पूरी तरीके से फायदा उठाती थी और अपने ट्रेड को बढ़ाती थी। ठीक, द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कॉन्शियसनेस एंड मैनिपुलेटिंग एक्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी हमेशा कोशिश करती थी कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुगल एम्पायर से क्या कहते हैं प्रिविलेजेस ले सकें और उस प्रिविलेजेस का क्या कहते हैं गलत इस्तेमाल कर सकें। ओके, औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंट हैड गारंटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, but officially of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty, they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan not protest? अब देखिए यहाँ पे सबसे खराब बात क्या है कि आपके औरंगजेब ने एक फरमान के तहत बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कह दिया कि आप बिना किसी ड्यूटी के, मतलब बिना किसी क्या कहते हैं रेवेन्यू के, आप वहाँ पे राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि आपको कोई पैसा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है बंगाल के सूबेदार को। और उस समय बंगाल के जो सूबेदार थे, बंगाल के जो नवाब थे, वो थे मुर्शिद कुली खां। उन्होंने कह दिया कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में आसानी से, ठीक है, बिना कुछ पैसा वगैरह दिए एकदम फ्री होकर आप वहाँ पर ट्रेड करिए। और ये बात क्या कहते हैं बंगाल के नवाब को बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स बिना पैसा दिए क्या कहते हैं ट्रेड कर रहे हैं, और ये बात उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। सोचिए कितना ज़्यादा लॉस हो रहा था बंगाल के नवाब को, उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था किससे, मुगल एम्पायर से। ठीक, तो ये कुछ रीजंस भी हैं, आप याद रखिएगा, आगे अब हम कवर करेंगे। ये आप देखिए फिगर नंबर 3, ये मद्रास का है, इसको विलियम सिम्पसन ने पेंट किया था 1867 में। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए इस तरीके से वो लोग फॉल्टिफिकेशन करते थे, ऐसा ट्रेड वगैरह होता था वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये क्या कहते हैं ट्रेड टू टेरिटरी का फर्स्ट पार्ट था। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी होने के कारण मैं इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर नहीं आपको समझ में आया कोई भी टॉपिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो आप लोग प्लीज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब और इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।